1857 में आज ही के दिन भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था, जिसकी नींव क्रांतिकारी मंगल पांडे ने रखी। मंगल पांडे ने राइफल एनफील्ड P-53, जिसके कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, चलाने से इनकार कर दिया और इसी के साथ भारत में सैनिक विद्रोह की शुरुआत हो गई। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह की शुरुआत छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से शुरू हुई थी, लेकिन जनवरी महीने तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खात्मे के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रितानी ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 90 वर्षों तक चला। १९१३ में आज के दिन हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, मानसरोवर, इंदन मम और संप्रति है। वे दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि रहे। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। 1972 में मिश्र जी को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। १९२९ में आज ही के दिन अभिनेता, निर्देशक और नाटककार उत्पल दत्त का जन्म हुआ था। एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया। उत्पल दत्त को अधिकतर हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1979 में सुपरहिट फिल्म गोलमाल के उनके द्वारा निभाया गया भवानी शंकर का किरदार आज भी याद किया जाता है। संजीदा से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया था। अपने 40 वर्ष के करियर में उत्पल ने 100 से भी ज्यादा बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया। 1970 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1973 में आज के दिन अमेरिकी सुरक्षा बलों ने दक्षिणी वियतनाम से वापसी की और युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इस युद्ध ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ये जंग उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ी गई थी। युद्ध में अमेरिका के 5 लाख से भी ज्यादा सैनिक तैनात किए गए थे, जिन पर करीब $200 अरब का खर्च किया गया था। इस जंग में 30 लाख जिंदगियां खत्म हो गई। अमेरिका सहित दुनिया के करोड़ों लोगों ने इस लड़ाई का विरोध किया। इस युद्ध का नतीजा था कि दुनिया भर में शांति के लिए आंदोलन चलाने की मांग को बल मिला। और 1981 में आज ही के दिन पहली बार लंदन में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 26 मील की इस मैराथन में 67,000 लोगों ने भाग लिया था। मैराथन का विचार सबसे पहले एक ओलंपिक खिलाड़ी क्रिश बेशर के दिमाग में आया था और इसके बाद से यह हर साल आयोजित होता है। कई वर्षों में लगभग 90,000 लोगों ने इसमें भाग लिया है और हर साल इसमें औसत 30,000 लोग भाग लेते हैं। अनेक जानी मानी हस्तियां भी इसमें भाग लेती हैं और इसने भाईचारे के एक उत्सव की शक्ल अख्तियार कर ली है।